है पुरानी संसद से संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान ने यही अधिकार लिया। इसी के साथ ही इसी सेंट्रल हॉल में तिरंगे को भी अपनाया गया। इस संसद में 4000 से अधिक कानून पास हुए और इसी संसद में मुस्लिम बहनों को भी अधिकार मिला। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाबानो केस के कारण कुछ उल्टी पार्टी पर चल गई थी, इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। मुख्यमंत्री